आपके साथ ये हमारे लिए आज के अंजीम मुकदस मकस एक दिन यीशु और उसके शागिर्द पहाड़ी इलाका से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इतने इंसान आदमियों के हवाला किया जाएगा और उससे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो उस बात को ना समझे थे, तो भी पूछने की जरूरत न करते। फिर वो कपड़े नहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन बारह को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो सब में आकर हो और सबका खादम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। अंजीलम कदस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए।